बात हुई, लेकिन आपकी खुद की एक्सटेंशन जो है 6 महीने, आप बात करेंगे इमरान खान से कि आप या दिलचस्पी रखते हैं? और दूसरा वसीम भाई से भी एक सवाल करने लगा, मोहम्मद हफीज के चाहने वाले ये कहते हैं, लिखते हैं कि हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खरीदने की कोशिश की सी कॉन्ट्रैक्ट देकर, इस पर थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट चाहूंगा। पहले वसीम साहब बात करना चाहता हूँ। देखिए, खरीदने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हफीज तो चल रहा था, तो हमने यही देखा परफॉर्मेंसेस के ऊपर, हमने रिजवान को भी असेस किया, फवाद आलम को हमने असेस किया, जो खरीदने वाली बात होगी वो थी, तो वी वुड हैव जस्ट लिटरली हैव जस्ट ऑफर्ड हफीज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसे नहीं थी, हम उसको रिवॉर्ड कर रहे थे, रिकग्नाइज कर रहे थे जो परफॉर्मेंसेस आपने खुद देखा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थे हफीज के। तो जैसे मैंने कहा, हमारी ऑब्लिगेशन ये थी उसको ऑफर करने का, तो उसने इनकार कर दिया कि अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जून में वेट करूँगा। तो देखिए, ऐसे कोई इशू नहीं है, बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं मीडिया में, लेकिन हफीज है और मेरे साथ, मेरे साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप भी है, जैसे यूनिस खान के साथ भी थी, जो मीडिया कह रहे थे कि रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसे बात नहीं होती। जो हम जानते हैं, हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं लोगों के साथ, प्लेयर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, तो वो ही हम कर रहे हैं। लेकिन हफीज की प्रोगेटिव है, हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। जो आपका पहला सवाल था, सॉरी वो करता हूँ। देखिए, मैंने जिंदगी में आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है किसी से भी, और ना मैं अब भी मांगूंगा। अगर लोग चाहते हैं कि मैं ठहरूँ तो फिर बात करेंगे, मगर मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा। मगर ऐसी वो मेरी कैरेक्टर में नहीं है कि मैं किसी से कुछ अपने लिए मांगूं। जी, लास्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर है कोविड सिचुएशन पूरी दुनिया ने फेस किया, फिर NCOC ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया, 20% अलाउ किया, फिर उसको बढ़ा के 50% कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्राउड आ रहा है, प्लेयर्स भी इंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट प्रमोट हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? जब आगे चल के 100% भी हो जाएगा तो क्या कैसे देखते हैं ओवरऑल? इसमें हमें ज़रा ख्याल से आगे बढ़ना पड़ेगा कि लोगों की, ये लोगों की ज़िंदगी की बात होती है, तो हमें वो प्रोटोकॉल्स बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे जो उनने कहा कि बढ़ा सकते हैं हम लोग 50 से भी ज़्यादा। वो उसके साथ उनने ये भी कहा कि फॉलोइंग स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स। तो अगर हम समझते हैं कि वो मुनासिब नहीं है, तो हमें इसमें कोई वो डाउट नहीं होगा कि कम करें। हमें अप टू दिया, उन्होंने कहा ही दिया कर सकते हैं, मगर हमें जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे क्राउड्स आते हैं, जो मैचेस देखने आते हैं, कि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत।